यह कहानी तान्या की है। यूपी की रहने वाली तान्या ने यह कहानी हमें भेजी है। उनके जीवन में पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जो घटनाएं घटी है उनकी सच्ची कहानी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल वाला बटन दबाएं, फ्री है, पैसे नहीं लगते हैं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। तान्या की नई नई शादी हुई थी, अभी एक ही महीने हुए थे कि तान्या के जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। कई बार तान्या को कुछ परछाई सी दिखाई पड़ती थी। कभी कभी तान्या जब खिड़की के पास खड़ी होती थी तो उसे लगता था जैसे कोई है वहां पर और बार बार उसे देख रहा है। वह बहुत परेशान हो गई, उसे बहुत डर लगने लगा। खौफ के कारण उसकी जिंदगी नरक हो चुकी थी। नई शादी थी इसीलिए किसी को वह बता भी तो नहीं सकती थी। एक दिन गांव में शादी थी और सभी शादी में जाने में लग गए, पर तान्या नहीं थी इसलिए उसने शादी में जाने से इनकार कर दिया। तो घर वालों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, नई नई बहू है तो नहीं जाना चाहती होगी। तो सब लोग शादी में चले गए, तान्या घर पर अकेली रह गई। रात में जब वह बेड पर सोने के लिए गई तो उसे नींद नहीं आ रही थी, बार बार करवटें बदल रही थी। उसे अजीब सा माहौल डर का दिख रहा था। एक कपकपा देने वाली ठंड पूरे कमरे में फैली हुई थी। जैसे तैसे चादर ओढ़कर वह सोने की कोशिश कर रही थी तो उसे एहसास हुआ कि शायद बेड पर उसके साथ कोई और भी सो रहा है। वह झटपट उठी और लाइट चालू कर दी, पर बेड पर कोई नहीं था। पानी पीने की तलब लगी तो इसलिए वह बरामदे की तरफ चली गई। बरामदे पर जैसे ही पानी पीने के लिए उसने ग्लास उठाई, उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई पड़ी तो वह आंगन की तरफ चल दी। आंगन की तरफ जाने के बाद उसने देखा कि एक सफेद लिबास में औरत खुले बाल और जोर जोर से रो रही है। वह काफी घबरा गई। एकाएक एक जोरदार सा हवा चला और डायरेक्ट तान्या के शरीर पर। कुछ सरसराहट सी महसूस हुई और तान्या बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। जब शादी से घर वाले लौट कर आए तो देखा तान्या आंगन में बेहोश है। सबने उसे उठाया तो देखा तान्या का शरीर अब उसके बस में नहीं है। वह अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, बहुत जोर जोर से सबको इधर से उधर फेंक रही है। घर वाले ने परेशान होकर तांत्रिक को बुलाया, ओझा को बुला लिया। तांत्रिक ने कई सारे मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के बाद एक बोतल निकाली और उस बोतल में एक सफेद जैसी कुछ वस्तु थी जो तैर रही थी। और ढक्कन लगाने के बाद उस तांत्रिक ने उस बोतल को अपने झोले में रख लिया और कहा आप तान्या ठीक है, आप इसे आराम से गंगा जल से स्नान करवा दे, अब यह कुछ नहीं करेगी। तान्या एकदम ठीक हो गई, पर यह रहस्य बना रहा कि वह कौन थी। आखिर वह थी कौन जो बार बार सिर्फ तान्या को ही दिख रही थी और तान्या को परेशान कर रही थी। इसकी जानकारी तान्या ने हमें नहीं भेजी है, हमने उनसे बात की है, अगली बार वो हमें उसकी जानकारी भी देंगे। हम अगली वीडियो में आपको इसके विषय में जानकारी अवश्य प्रदान करवाएंगे।